पूरे देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी में कमी आई है, जिसके बाद अब सीधा असर चुनावी प्रचार सामग्री के विक्रेताओं में देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए मामले कम होने के चलते चुनावी प्रचार सामग्रियों की बिक्री में तेजी से रफ्तार देखने को मिल रही है। अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज व्यापारी मोहम्मद कादिर के मुताबिक बीते 4 दिनों में चुनावी सामग्री की बिक्री में काफी तेजी देखी गई है। एक हफ्ते पहले ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रयागराज में चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे लोग अब दुकानों में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनावी प्रचार सामग्री में राजनीतिक सैनिटाइजर और राजनीतिक मास्क भी खूब बिक रहे हैं। बाजार में अधिकतर हर राजनीतिक दलों के नाम से सैनिटाइजर बिक रहे हैं और प्रिंटिंग मास्क भी आए हैं, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो वही राजनीतिक दल के नेता झंडे बैनर खरीद रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज के राजनीतिक प्रचार के सामग्रियों की डिमांड प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट समेत बनारस तक होती है। कोविड को देखते हुए चुनाव प्रचार सामग्री निर्माताओं ने अपने अपने ढंग से और कोविड के अनुरूप ही प्रचार सामग्री बनाई है। उदाहरण के तौर पर मास्क का संचालन होना बहुत अच्छी रही, और जिससे कि आपने देखा हो तो कोविड का इफेक्ट भी पड़ा। प्रत्याशी आज मास्क लगा के जाता है और सामने मास्क जिस तरह से हैंडबिल बांटा करते थे, आज मास्क बांट रहा है, उसके साथ सैनिटाइजर ऊपर उनका हैंडबिल का और उनका नाम लिख करके, प्रत्याशी का भाग लिख करके, उनका चुनाव सिंबल लिख करके सैनिटाइजर बांटना, नैपकिन को बांटना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से कोविड का पालन भी हो रहा है और लोगों को रिझाने में, जैसे ऑबलाइज करने में जनता को बहुत लाभान्वित होता है और अच्छा प्रचार होता है। सूचना पहुंचाने का अच्छा तंत्र है कोविड को देखते हुए। जैसे कि इस वक्त ज़्यादातर दो राजनीतिक दल ही हमको दिख के सामने आ रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन तीन दलों का लोगों ने अच्छा परचेज किया। बाकी दल आते हैं, लोग खरीद रहे हैं, MIM भी खरीदते हैं, और भी पार्टी दूसरे दल भी आए, आम आदमी पार्टी भी नई आ गई है, उसका भी प्रचार सामग्री मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सबको देखते हुए दो दलों का बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन दो दलों की काटे की टक्कर मुझे दिख रही है प्रचार सामग्री में, ना कि मेरा उस पर है। बनारस है, मिर्जापुर है, फतेहपुर है, बांदा है, इस सब तरफ से लोग ज्यादातर कस्टमर आते हैं। वहीं करेली से तैयार मोहम्मद आमिर का कहना है कि उन्होंने 500 झंडे और 500 मास्क और सैनिटाइजर का ऑर्डर दिया है, जो अब वो लेकर जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रचार के साथ साथ लोग सुरक्षित भी रहें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। ये मैं समाजवादी पार्टी का लेने आया हूँ झंडा, और 500 झंडे का मैंने ऑर्डर कर दिया है, और उसके साथ साथ मैंने मास्क का भी यहाँ पे रेट लिया है, तो 2 रुपए पर पीस मास्क मिल रहा है, तो मास्क का भी ऑर्डर दे दिया, और सैनिटाइजिंग भी वो बॉटल में है सिंगल पीस, वो भी लेके हम लोग निकल रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग कोरोना की गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि शुरुआती 2 चरणों के चुनाव में चुनावी प्रचार सामग्री के दुकानदारों को काफी नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि उस दौरान कोरोना के मामले ज्यादा थे, जिसकी वजह से बिक्री में काफी गिरावट देखी गई थी। लेकिन अब कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है, जिसके बाद एक बार फिर से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और 3रा चरण 20 तारीख को है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 27 फरवरी को चुनाव होना है, और हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आप देख सकते हैं ये एक चुनावी प्रचार सामग्री की जो दुकान है, और यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के जो प्रचार के लिए जो सामान है वो यहाँ पर रखे गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा जो पार्टी हैं उसके बैनर, पोस्टर, झंडे सब ले रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हम खास चीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार खास जो बिक रहा है वो सैनिटाइज़र बिक रहा है। जो चुनावी सैनिटाइज़र है, जो भी पार्टी यहाँ पर आ रही है वो झंडे के साथ साथ सैनिटाइज़र भी ले आ रही है। साथ ही साथ आप यहाँ टोपियाँ भी देख सकते हैं कि अलग अलग दलों के यहाँ पर टोपियाँ भी रखी गई हैं। मास्क आप देख सकते हैं कि कोविड को देखते हुए मास्क भी यहाँ पर बिक रहा है। अगर हम मास्क की बात करें तो 2 रुपए का मास्क बिक रहा है। साथ ही साथ आप पूरी दुकान में भी देख सकते हैं कि चुनावी जो सामान है वो यहाँ पर रखे गए हैं। हमारे ठीक पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हैं और अपने पसंदीदा जो पार्टियां हैं उसके यहां पर सामान लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव और चलेगा, मतलब कि और दिन बीतेगा, वैसे वैसे यहां पर जो नेताओं के जो लोग हैं उनका यहां पर हुजूम देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी से ही लोग यहां पर आ रहे हैं और अपने पसंदीदा
पार्टियों के जो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जो सामान है वो खरीद रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आसिफ रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।